था वो किसी की जमीन पर जाकर, किसी और की जमीन पर जाकर बाबा साहब की प्रतिमा नहीं रख रहे थे। 14 अप्रैल के दिन उन्होंने रविदास मंदिर के अंदर ये सोचा कि हमारा वहाँ पे अंदर चबूतरा है, बाबा साहब की प्रतिमा रखकर हम बाबा साहब की जयंती मनाते हैं। प्रशासन ने मना कर दिया, बड़े दुख की बात है, प्रशासन ने मना कर दिया और प्रतिमा नहीं रखने दी। तो उसके बाद उन्होंने मान लिया वहाँ के दलित वर्ग के लोगों ने। इसके बाद फिर 5 मई को महाराणा प्रताप की जयंती थी, तो जो बिना परमिशन के उन्होंने निकाली, तो हमारे लोगों ने शासन प्रशासन के लोगों को ये बोला कि इसके लिए उन्होंने कोई परमिशन नहीं लिया, तो आप इनको क्यों नहीं रोक रहे हो, इनको क्यों नहीं रोक रहे हो। तो वो शासन प्रशासन से बात कर रहे थे, ना कि जो जुलूस निकाल रहे थे उनसे बात कर रहे थे। और उसके बाद वो जुलूस चला गया, फिर बाद में इन लोगों ने आकर उनके साथ जो ज्यादती की है, मेरे ख्याल बहुत दर्दनाक है। सारे घर, ज़्यादातर घर दलितों के जला दिए, उनके बहन बेटियों के साथ बेइज्जती की उन्होंने, मतलब उनकी संपत्ति को लूट के ले गए। लेकिन जो श्री योगी की सरकार है वो साइलेंट है, केवल घोषणा कर दिया उन्होंने हम ये मुआवजा देंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने एक फुट केवल 5-6 लोगों को 25,000 रुपये दिए हैं। ऐलान तो उन्होंने 1,00,000 का किया था, लेकिन अभी उनको पूरा पैसा उनको नहीं दिया गया है। मैं आज जा रही हूँ, अपने लोगों की आर्थिक स्थिति देखूंगी, उनका घर देखूंगी, हालात क्या, उसके बाद फिर हमारी पार्टी कोई डिसीजन लेगी। तक कोई नहीं वहाँ पे गया, लेकिन आपका जब प्रोग्राम बना इसके बाद अब डिप्यूटी सीएम केशव मौर्य भी वहाँ पे जाने वाले कुछ। मैं अभी तो सब जाएंगे ना, जो श्री केशव मौर्य है, मैं पिछड़े वर्ग के लोगों को बताना चाहती हूँ और केशव मौर्य को भी बताना चाहती हूँ, वो भी जुर्म जाति का शिकार हुआ है। क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव हुए थे, तो विधानसभा के आम चुनाव में आरएसएस के लोगों ने गांव-गांव में जाकर ये कहा कि यदि यूपी में बीजेपी की सरकार बनती है तो पिछड़े वर्ग के आदमी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन उसको नहीं बनाया गया। तो केशव प्रसाद मौर्य को तो सोचना चाहिए, वो तो खुद उसके साथ में जाती हुई है। और अब जब मैं जा रही हूँ, अब तो बहुत लोग जाएंगे, हो सकता है मुख्यमंत्री भी चला जाए। संगठन